दिल्ली में संसद की नई बिल्डिंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। पर्यावरण का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी, जो अब खारिज हो गई हैं। जस्टिस एएम खानवलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि तीन जजों की पीठ ने ये जरूर कहा कि निर्माण कार्य से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए स्मॉग टावर जरूर लगाए जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को आधारशिला की अनुमति दी थी, लेकिन इसके साथ में ये भी निर्देश दिया गया था कि कोई निर्माण नहीं होगा। बता दें कि सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इस त्रिकोणीय संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसका निर्माण अगस्त 2022 तक होना है।